गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमारा ट्यूसडे और आज हमारा डे 3 काउंट हुआ। डे 3 जिसमें हम अभी हैं नाको के अंदर, और कल जो हाँ मतलब हम नाको में आए थे, हमारा जो रूम था वो ऐसा सा था, बेसिक रूम था एंड मैट्रेस, और बस ये था। हमारे रूम के बाहर ना व्यू बहुत प्यारा था, और रात को हमने करी थी यहाँ पे कैंपिंग वगैरह, और बस यही फिर हुई अपना नॉर्मल दाल चावल खाया, बस हो गए थे रात को। सुबह बस थके पड़े सारे, सबका पेट भरा है तो अब यहाँ से निकले मॉनेस्ट्री में कुकी, और उसके बाद एक कुछ काजा जाना है, काजा के जो स्टॉप पर जाकर कवर करते हैं, तो पैकिंग करनी है सारे के सारे बैग्स कार के अंदर, चल चलते हैं निकलते हैं यहाँ से। खराब सुबह से अपन अभी नाको मॉनेस्ट्री पहुँच गए हैं, यहाँ पे बहुत एम्पल स्पेस है पार्किंग, तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर, और वैसे देखते हैं स्ट्रीट। यहाँ पर स्कूल भी है, और फिर कुछ खाते पीते हैं, ब्रेकफास्ट हमने करा नहीं अभी तक। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एक्सप्लोर विद अल्फा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से सारी जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। सो गाइस ये सामने है ना, ये है मॉनेस्ट्री, अभी यहाँ पे गेट लगा रखा है, तो लाना चाहते हैं फ़ोन करके देखते हैं तो अपना तो शायद हमने तो बाहर से देख ली, बाकी यहाँ पे ये आप यहाँ से पाप उल्टा करोगे तो पाप बता रही, पाप बढ़ता है, नहीं करोगे सही करोगे तो तुमने कमा लोगे देखते हैं। तो गाइस ये है बहुत फेमस मलिंग नाला, लिखा भी आया शूटिंग स्टोन्स मलिंग नाला। अच्छा यहाँ पे पानी भर जाता होगा, ब्रंच की ब्रेकफास्ट करेंगे था, तो ब्रंच टाइप हो गया हमारा, क्या था राजमा चावल, और यहाँ पे लोकल चटनी थी वो खाया, फिर एंड में चाय पिया, अब बस यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से सवा घंटे का रास्ता बचा है ताबू का। हाँ बट यार रास्ता बहुत ख़राब है नाको से मतलब ताब अभी तक जो मतलब जहाँ पे हैं, रास्ता बहुत ख़राब था बहुत ज़्यादा, आएगा देखते हैं रूट कैसे है। तो गाइस अपन पहुंच गए ग्यू विलेज, जहाँ पे फेमस मम्मी है, सो अभी हम और इसके पीछे पहले मम्मी के पास चलते हैं, हमें देखते हैं कि पुरानी हिस्ट्री पढ़ते मम्मी की अबाउट ऐसे ही जो मम्मी है, इसकी खोज जो हुई थी कार्बोनेटिंग में पता चला कि 1430 के आसपास की है, और ये भी निकाला ऑक्सफोर्ड की रिसर्च ने। अब अंदर चलते हैं, एक अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर रखी है, और दांत वात सब दिख रहे थे भाई प्रॉपर अभी तक ऑथेंटिक, तो काफ़ी स्कैरी भी था, सवाल होता कैसे दे रहे।
हवा चल रही है प्लस थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा बहुत। और इसके लिए जो व्यू ले लेते हैं 30 rupees पर पर्सन। अब यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट तावो। अरे यहाँ कब पहुँचते तावो में, तो फाइनली अपन पहुंच गए हैं ताबो मॉनेस्ट्री और टाइम हो रहा है 2:46। मतलब जहाँ हम लास्ट रुके थे वहाँ से यहाँ पर का जो रास्ता है ना बहुत खराब था, और एक जगह बड़ी थी फैंटम फिसेस करके, और वहाँ पे चल रहा था सैंडस्टॉर्म। जो फैंटम फिसेस तक का रास्ता था भाई बहुत ही बड़ी था, हर जगह पे शूटिंग स्टोन्स और पूरा सैंड, तो उससे भाई किस तरह निकले, कहीं गिरे तो थे पत्थर छोटे छोटे से गाड़ी पे। बाकी टैबो उसमें जो टॉप पे है वो आपका है टैबो केव्स हैं, आई डोंट नो कैसी केव्स हैं, थोड़ा सा दिखा नहीं पर जाने का। और ये जो सामने टैबो मॉनेस्ट्री है इसके अंदर जाते हैं। सो ये लिखा तो इस पर है 996 में ही इस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी इंफॉर्मेशन है कि 3280 meters की हाइट पे है, और ये किंग ऑफ कोच किंगडम ऑफ वेस्टर्न तिब्बत से ने बनाया था, अजंता एंडोरा ऑफ हिमालय से। ओके सो गाइस, मॉनेस्ट्री के अंदर तो ये था कि सारी सारी तिब्बतन गॉड्स की मतलब मूर्तियाँ थी, और वॉल पेंटिंग थी काफ़ी ज़्यादा। तो अंदर तो ये कि कैमरा अलाउड नहीं, इवन जो फ़ोन की आपकी फ्लैश लाइट को यूज़ नहीं कर सकते, फोटो का रिस्ट्रिक्टेड है, और अंदर टॉर्च ही देखेंगे। और बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत पुरानी है, देखने लाइक है सब, तो दिल तो बनता है। आगे ऊपर भी केव्स हैं, अब निकलते हैं आगे, कोई पॉइंट होता है ना वो कवर करते हैं, ताबो से निकलते हैं या फिर खाते हैं। सो आज का ताबो का स्नैक्स चिली पटाटो नूडल्स। तो अपने स्नैक्स हो गए, पेट भर गया, अब निकलते हैं टूवर्ड्स काजा। पहले जाना था हमें धनकाड़ा विलेज, अब सोच रहे निकल जा रही है 4:45 तो हो रहे हैं, तो डायरेक्टली काजा निकलते हैं। वहाँ रूम भी देखना है यार, वॉकिंग में मिलेगा तो रूम में टाइम देगा, तो भी यही प्लान है। कहाँ चलते हैं वहाँ जाके अकॉर्डिंगली रूम देखेंगे, फिर प्लान करेंगे कुंजुम पास तक का होता है, और वापसी में रिटर्न अगर सेम रूट से होता है तो धनकाड़ा देख लेंगे। तब निकलते वापस काजा के रूट पर। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं काजा, मतलब 10-15 मिनट पहले, 5:30 हो रहे हैं, 10-15 मिनट पहले हम काजा पहुंच गए थे। बस रूम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो रूम एक मिला था 1500 rupees का, बट वही था कि वहाँ से व्यू नहीं एकदम ग्राउंड पे था, तो अभी यहाँ पे देखने गए हैं सारे के सारे। तो कोशिश कर नदी का व्यू कहीं से आ जाए, तो ऐसा कोई रूम ढूंढ रहे हैं, वेट करते हैं कोई मिल जाए रूम अच्छा सा, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत महंगा दिखा रहा है, पर वॉकिंग रूम मिल जाएगा। और वो ये कि लोकेशन, गाड़ी की पार्किंग और व्यू और एक्सेसिबिलिटी के सामान भी है ना गाड़ी का, मतलब रूम तक कोई मिलता लग रहा था। काजा का जो रूम है यार, एक तो है ना पहले था कि चलो रिमोट था, अब हर कोई आ रहा है, तो इन्होंने रूम का ना बढ़ा दिया रेट, तो अब किस तरह हमें बस खाना मिला है, आलू गोभी एंड चपाती वो खाते हैं, फिर से खाना करके सोएंगे जल्दी। अभी तो अपना डिनर चल रहा है, बट यार एक चीज़ है, जैसे स्पीति में एक पहले रिमोट था, अब ना कमर्शलाइजेशन यहाँ पर भी बढ़ी है,
अब वही कहीं पे भी चलेगा यार अपन लोग यार। यहाँ पे ये ड्रामा है कि 1200-1400 पर पर्सन के हिसाब से इसमें रहना मतलब डिनर एंड ब्रेकफास्ट जो भी है, बट एक होता है ऑथेंटिसिटी ना वो नहीं है यार। इतना घूमे हैं मतलब लिटरली हमारे 2-3 घंटे ख़राब हो गए एक ग्रुप के रिश्ते में, जबकि चित्कुल में आराम से मिल गया था हमें रूम आराम से, और भैया भी कोऑपरेटिव, और यहाँ पे इस लाइक एवरीवन इज लाइक भाई बंदे आए हैं घूमने आए हैं लूटो। तो यहाँ पे ऑप्शंस अब इस इतनी एक तो यहाँ पे ठंडी ज़्यादा है और ऊपर से थोड़ा कि बाहर बंदे कहाँ पे रुकेंगे, तो वही चीज़ है यार। मतलब ऐसी केदारनाथ कहाँ चल रहा है आजकल 10,000 पर 15,000 पे हद कर रखी है लोगों ने, बट शुक्र है हमारा टाइम सही चला तो हमने आकर बस डिनर करेंगे फिर कल घूमते हैं काजा।